Hi everyone, a very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET JRF. जैसे मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है कि UGC NET का रिजल्ट सिर्फ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ही प्रोवाइड नहीं करता, साथ साथ कई सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी रिक्रूटमेंट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ UGC NET रिजल्ट. एंड देयर इज अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू. एक महारत्न कंपनी इज ऑल्सो रिक्रूटिंग ऑन द बेसिस ऑफ UGC NET दिसंबर 2022 रिजल्ट्स. तो ONGC दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन अपने रिक्रूटमेंट कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ UGC NET दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन. तो उसी की डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं. देखो, जो हमारी पोस्ट है वो है HR एग्जीक्यूटिव, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर. अगर आप इन पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको देना होगा UGC NET दिसंबर 2022 साइकिल का एग्जाम. तो ये हमारी सारी क्लास वन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है और गवर्नमेंट जॉब आपके पास मिल जाएगी बाय गिविंग UGC NET दिसंबर 2022 एग्जाम. ठीक है, जो हमारा पे स्केल रहने वाला है वो भी रहने वाला है 60,000 to 1,80,000. कम नहीं होता, बहुत ही अच्छा पे स्केल आपको यहां पे मिल रहा है. जो पोस्ट है HR एग्जीक्यूटिव, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर, और इन सब की रिक्रूटमेंट होगी ऑन द बेसिस ऑफ योर रिजल्ट्स, योर मार्क्स विच यू स्कोर्ड इन UGC NET दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन. अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आज लास्ट डेट है, फॉर्म को जरूर भरो. हाँ, अगर भर दिया है तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो, और अगर डिले प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ज्यादा सीरियस होकर प्रिपरेशन करो, क्योंकि अब आपको ना UGC NET के साथ साथ एक गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है. ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो अगर HR एग्जीक्यूटिव है तो उसमें हमारे पास MBA विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट HRD एंड HRM, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन द सेम फील्ड्स. मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको 60% इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन. फिर पब्लिक रिलेशन की बात कर लें तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एंड डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, मिनिमम मार्क्स 60%. और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर की बात कर लें तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी विद अ मिनिमम 60%. ठीक है, बाकी एलिजिबिलिटीज, बाकी क्वालिफिकेशन वो आप अपनी नोटिफिकेशन से रीड कर लेना ONGC की वेबसाइट से. एक हाईलाइटेड डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं. देखो, जो हमारा UGC NET दिसंबर 2022 का स्कोर होगा, मतलब जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स है जो फरवरी में होने वाले हैं, उसके मार्क्स के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा. याद रखना, दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन जो फरवरी में होने वाले हैं उन्हीं के ही मार्क्स सिर्फ वैलिड होंगे, कोई भी प्रीवियस UGC NET का रिजल्ट या मार्क्स वैलिड नहीं होगा. ठीक, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, ऑलरेडी से UGC NET क्रैक किया हुआ है, तो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा इस साल UGC NET दिसंबर में. ठीक है, फिर बात कर ले कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको एप्लीकेबल करना, अप्लाई करना पड़ेगा UGC NET में. अगर आप HR एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका UGC NET होना चाहिए लेबर वेलफेयर या फिर मैनेजमेंट के अंदर. और अगर आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में अप्लाई करना चाहते हो तो आपका UGC NET होना चाहिए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में. एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर के लिए आपका UGC NET होना चाहिए हिंदी में. ठीक है, फिर बात कर लें अगर आगे डिटेल्स की, तो ये सारी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हो गए. मिनिमम एज इनकी सेपरेट है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी मिनिमम मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, ओबीसी की 33 ईयर्स, SC ST की 35 ईयर्स एंड PWD 40 ईयर्स. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब एग्जाम ओवर हो जाएगा तो ये एक एप्लीकेशन फॉर्म निकालेंगे, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करके अप्लाई कर पाओगे इन सभी पोस्ट के लिए. ठीक है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको ONGC की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन करवा दूंगा, तो वहां से आप डिटेल पढ़ लीजिए. अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए, और अगर फिल कर रखा है ऑलरेडी तो अपनी प्रिपरेशन को इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि नाउ देयर इज अ चांस यू विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब ऑन द बेसिस ऑफ योर UGC NET दिसंबर 2022 एग्जाम्स.
So that's all from my side. Bye bye. Take care. Have a nice day.